देखिए अगर आपके पास आपका पे टी एच क्रेडिट कार्ड आ चुका है तो फर्स्ट टाइम पहली बार उसको एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको तीन काम करने पड़ते हैं पहला काम होता है आपका अपने क्रेडिट कार्ड के लिए पिन बनाना दूसरा काम होता है आपको एच नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद तीसरा काम होता है आपको अपने कार्ड को एक्टिवेट करना और उसको कंट्रोल करना सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस नंबर पर कॉल करेंगे जो आपको नंबर दिख रहा है ये एच बैंक का क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर नंबर है और यहीं से आप अपने कार्ड के लिए पिन जनरेट कर सकते हैं। The test service is available only for primary card holders. Add-on card holders will receive physical print at your billing address. To continue in English, dial 1. What ke liye Dial 2. You will credit card number kare, enter cash. <laughs> नया क्रेडिट कार्ड पिन बनाने के लिए कृपया डायल करें एक इस सेवा से निकलने के लिए कृपया वन टाइम पासवर्ड पाने के लिए कृपया डायल करें एक आपने जो वन वा... आपका वन टाइम पासवर्ड हमारे पास दर्ज आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है कृपया आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए छह अंकों वाला वन टाइम पासवर्ड एंटर करें धन्यवाद आपका क्रेडिट कार्ड सफलतापूर्वक मान्य कर दिया गया है आप जो चार अंकों का नया क्रेडिट कार्ड पिन बनाना चाहते हैं, उसे एंटर करने के बाद कैश दबाए आप जो चार अंकों का नया क्रेडिट कार्ड पिन बनाना चाहते हैं उसे दोबारा एक्टिव करें और पास दबाएं। धन्यवाद आपका नया पिन बनाया जा चुका है अब अपने क्रेडिट कार्ड से पिन करने के लिए या उसी पिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारा पहला काम हो गया खत्म के हमारा भाई पिन बन गया ठीक है पिन बन चुका है पहला काम हमारा खत्म हो चुका है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है हमारा एच नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना अपने कार्ड के थ्रू ठीक है तो इसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले सिंपली इस पेज पर आना होगा गूगल पे आना है आपको यहाँ पर आने के बाद लिख देना आप सिंपली एच क्रेडिट कार्ड लॉग इसके बाद जो पहला लिंक आपके सामने आएगा इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है ठीक है इसके बाद ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग दिख रहा होगा आपको इसपे क्लिक करना है इसके बाद लॉग इन पे क्लिक करना है और क्रेडिट कार्ड पोर्टल पे क्लिक करना है ठीक है इसके बाद कंटिन्यू टू क्रेडिट कार्ड पोर्टल पर क्लिक कर देना है और यहां पर दोस्तों हमारा लॉगिन पेज खुल चुका है अब क्योंकि हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन सिंपली इस पेज को नीचे कीजिए और यहां पर आपको देखिएगा फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर ना हो ठीक ही दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर नाव पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा यूजर आई में आप कोई भी यूजर आई बना सकते हो जैसे कि मेरा नाम है हंसराज तो हंसराज एक दो तीन चार या कुछ भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से ठीक है जो बनाओगे रिक रेख लेना इसके बाद आपके कार्ड पे जो नाम है आपका वो डाल देना स्पेलिंग सही डालना कार्ड का नंबर डालना एक्सपायरी डेट डालना इसके बाद जो पिन अभी आपने बनाया था कस्टमर केयर को कॉल करके वही पिन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है सब कुछ करने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके ये रजिस्टर नंबर पर एक ओ आएगा ओ को यहाँ पर आपको डालना होगा उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है ठीक है दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी कि आप अपने मोबाइल से ही ये सारे काम करोगे तो आसान पड़ेगा क्योंकि ओ आपके उसी नंबर पर आएगा अगर आप दूसरे के फ़ोन से करोगे तो दिक्कत आपको हो सकती है ठीक है तो बढ़िया रहेगा आप अपने नंबर से करें इसको इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा ठीक है पासवर्ड आप जो भी बनाओगे उसको कहीं पर लिख के रख लेना क्योंकि इसी पासवर्ड के थ्रू या इसी लॉग इन के थ्रू आप लॉग कर पाओगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो पासवर्ड था वो बन चुका है और हमारा नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है ठीक है इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जो यूज़र आईडी हमने बनाई थी वो यहाँ पर डालनी है इसके बाद जो पासवर्ड हमने बनाया था वो यहाँ पर डालना है और लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर देना है ठीक है इसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पर जी की कार्ड की डिटेल पूरी खुल चुकी है हमारे कार्ड का नंबर भी आ गया है और जो लिमिट हमें मिली है वो यहाँ शो कर रही है भाई डेढ़ लाख रुपये की लिमिट यहाँ पर मिली है मुझे ठीक है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जीरो क्योंकि अभी तक हमने इस कार्ड को यूज़ नहीं किया है कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं किया है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों हमारे दो काम हो गए खत्म भाई लॉगिन पिन बन गया हमारा और हमारा नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन भी हो गया अब आते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे काम पे हमें अपने कार्ड को करना होगा एक्टिवेट ठीक है इस स्टेप के बाद आपका कार्ड एक्टिवेट हो पाएगा ध्यान रखना ठीक है कार्ड एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है आपको आपको जो लिफाफा मिला है इसमें आपका ये कार्ड बन के आया है उस लिफाफे में आपको इस कार्ड के ऊपर एक पर्ची लगी मिली होगी वो पर्ची दिखाता हूँ आपको किस तरीके की पर्ची होती है तो ये दिख रही होगी उस पर एक बार कोड भी लगा होता है यहाँ पर इस तरीके से तो इस पर्ची को दोस्तों आपको निकालना है इस पर्ची के थ्रू ही आपका ये काम होगा ठीक है इस पर्ची को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर दोस्तों एक आपको बार कोड दिख रहा होगा अगर आपके फ़ोन में बार कोड स्कैनर नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो जो नंबर दिया गया है ठीक है तो मेरे फ़ोन में बार कोड है तो मैं बार कोड के थ्रू दे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है मेरा फ़ोन सैमसंग का है ठीक है अगर आपके पास बार कोड स्कैनर नहीं है तो आप बार कोड स्कैनर डाउनलोड भी कर सकते हो ऐसे ही बात नेब स्टोर से तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्या करना है आपको देखिए यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन ले लिया है और यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ अपना क्यू कोड स्कैनर ठीक है सैमसंग फ़ोन में ये ऑटोमेटिक पहले से ही मिलता है सिंपली आप नीचे करोगे इसके बाद राइट right स्वाइप करोगे यहाँ पर देखिए आपको देखेगा स्कैन क्यू आर देखा हुआ इस पर क्लिक करोगे इसके बाद कैमरा ओपन हो जाएगा और आप उसी बार कोड को यहाँ पर स्कैन कर दीजिए इसके बाद देखिए दोस्तों ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी माई कार्ड्स डॉट एच डी एफ सी डॉट बैक कॉम इस वेबसाइट को आप डायरेक्ट घोल सकते हो नहीं तो इसके थ्रू घोल सकते हो ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ परमिशन ये बोलेगा आपको सिंपली अलाउ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है चलिए अलाउ यहाँ पर कर देते हैं हम क्लिक इसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्टिवेट योर कार्ड लिखा हुआ है अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा वही मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है ठीक है तो मोबाइल नंबर डाल के आप सिंपली गेट ओ टी पी पर क्लिक करेंगे इसके बाद गेट ओ टी पी पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक ओ टी क्या होगा ओ आपके नंबर पर आ जाएगा बताया मैंने आपको कि अगर आप उसी फ़ोन से काम करोगे जिसमें आपका नंबर डाला हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका काम सारा आसान हो जाएगा देखिए ऑटोमेटिक इसने ओ ले लिया है और सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया है कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर अपने कार्ड के लास्ट फोर डिजिट जो कार्ड नंबर होता है उसके लास्ट के जो चार नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे ठीक है ये आप अपने कार्ड में देख लेना कि आपके कार्ड के लास्ट के चार डिजिट कौन से हैं यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूअर कार्ड इज करेंटली इनएक्टिव एक्टिव करना पड़ेगा एक्टिव करने के लिए सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है एक्टिवेट इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तों एक ओट और आएगा अपने नंबर पर ठीक है इसके बाद जो आपका कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर देखिए इस तरीके का मैसेज आपको शो करेगा यूअर एच डी एफ सी क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेशन ठीक है अब आपको सिंपली लॉगिन लॉग इन करना है नीचे आपको दिख रहा होगा लॉग आउट लॉगआउट पर जब क्लिक कर दीजिए इसके बाद आपको अपना रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालना है चलिए डाल देते हैं और उसके बाद गेट ओ टी पी पर क्लिक करते हैं इसके बाद दोस्तों आपके इस नंबर पर एक ओ आएगा ओ आ चुका है सबमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लॉगिन था वो सक्सेसफुली हो चुका है ठीक है अब यहाँ से हम अपने कार्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं चाहे पिन चेंज कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों कंट्रोल सेटिंग किस तरीके से करोगे जिससे कि आपका कार्ड अगर चोरी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो जम आपको यहाँ पर कार्ड कंट्रोल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप सारे सेटिंग कर सकते हो इससे कि इन केस अगर आपका कार्ड कहीं बिक जाता है कोई आपकी कार्ड की डिटेल देख लेता है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता ठीक है यहाँ पर देखिए मेरे अभी कार्ड की जो लिमिट है वो है डेढ़ लाख रुपये और नीचे लिखा हुआ है ए टी एम विड्रॉड साठ हज़ार रुपये ठीक है मतलब कि दोस्तों मैं अपने कार्ड के थ्रू ए टी एम के थ्रू साठ हज़ार रुपये निकाल सकता हूँ पर मैं इसको अभी बंद करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता पैसे निकालना ठीक है दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने कार्ड की हर ट्रांजेक्शन को पहले बंद कर दो बंद करने से फ़ायदा ये रहेगा कि कोई दिक्कत आपको होगी नहीं और जब भी आपको इसको यूज़ करना होगा तो जैसे आप बंद कर रहे हो वैसे ही ऑन कर लेना और सेव कर लेना एक मिनट का, का काम होता है पर ऑफ रखोगे तो तसली ये रहेगी कि कार्ड पर रख गिर गया कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने सब कुछ बंद किया हुआ है कार्ड किसी ने देख लिया डिटेल देख ली तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन सारी मैंने बंद कर रखी है एक रुपये भी कोई खर्च नहीं कर पाएगा ठीक है दोस्तों ये था पूरा तरीका एच क्रेडिट कार्ड को पहली बार एक्टिवेट करने का और कंट्रोल करने का दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना थैंक यू वेरी मच